ये वही मूर्ति है जिसे अपने हाथों से राजबली यादव ने तराशा था, यानी मुलायम सिंह यादव का रूप दिया। या यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव ही हैं, बस फर्क यह है कि ये बोल नहीं सकते। आजमगढ़ जनपद के लालगंज क्षेत्र के रणमो गांव निवासी राजबली यादव ने धरती पुत्र व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके शोक में इस मूर्ति को तैयार कर दिया, लेकिन जान डालना भूल गए। ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस मूर्ति के अंदर अगर राजबली यादव के बस में थोड़ा भी जान डालने की वो कला होती तो मुलायम सिंह यादव आज हम सबके बीच में एक बार फिर से जिंदा होते। मूर्ति को देख आप समझ गए होंगे कि आपके प्रिय नेता मुलायम सिंह यादव भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन इस मूर्ति को देख आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलती होगी कि हमारे प्रिय नेता व धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आज भी हमारे बीच में हैं। बताते चलें कि राजबली यादव ने मुलायम सिंह की मूर्ति को उस वक्त बनाया जब पूरा प्रदेश और खासकर सपा खेमे में मायूसी छाई हुई थी। राजबली यादव ने बताया था कि मेरे प्रिय नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हम ही नहीं पूरा हमारा गांव शोक में डूबा हुआ था। कितने घरों में तो उस दिन चूल्हे तक नहीं जले थे। हमारी बेचैनी और उनके निधन का दुख इस कदर हमें अकेला और बेबस कर दिया था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस हमने फैसला कर लिया कि हम मुलायम सिंह यादव को फिर से जिंदा करेंगे, लेकिन अफसोस कि हमने उनकी रूह को तो बना दिया लेकिन प्रकृति के आगे बेबस लाचार हम जान नहीं डाल पाए। अब इस मूर्ति के सहारे ही अब पूरा जीवन बिताना है। अब आपको बताते चलें कि धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस दिन अस्पतालों में फल वितरण किया गया। नेताजी का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया गया था और पार्टी कार्यालय में नेताजी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया जिसको राजबली मूर्तिकार ने बनाया था। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजबली यादव ने मुझे ही नहीं पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके भगवान को लौटा दिया है। सुनिए, आज माननीय नेताजी की आज पहली जयंती है और हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग हर जिलों में, हर तहसीलों में, ब्लॉकों पर, गांवों में नेताजी की जयंती मना रहे हैं। पार्टी कार्यालय पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई और आज अनावरण हुआ है। इसके बाद अन्य जगहों पर अस्पतालों में, सदर अस्पताल चाहे मुबारकपुर, तमाम अस्पतालों में फल का वितरण हुआ है। कंबल बंटे हैं जगह जगह, लोग गरीबों को दान दिए हैं। नेताजी के जन्मदिन पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोग नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोग नेताजी को, सारे लोग जो मिल करके समाजवादी पार्टी के लोग संकल्प जयंती के अवसर पर हम लोग लिए कि आने वाले दिनों में 2024 में फासिस्ट सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादी ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इस देश में गरीबों, पिछड़ों, अकलियत, दलितों और मजलूमों की यहाँ सरकार बनाएंगे जिसके माध्यम से हम लोग समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दे सकेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसको संबोधित करते हुए सपा नेता लालचंद यादव ने कहा कि नेताजी गरीबों, किसानों, मजलूमों के नेता थे। उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष किया। आज देश में ऐसे नेताओं की कमी है। धन्यवाद। मैं इंजीनियर राष्ट्रीय पहलवान लालचंद यादव, समाजवादी नेता और नेताजी के जयंती के शुभ अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नेताजी जो कहते थे वो करते थे। नेताजी कहते थे जिस देश प्रदेश का किसान, नौजवान और व्यापारी खुशहाल होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, वो देश तरक्की करेगा। और आज हम लोग संकल्प लेते हुए 24 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय माननीय नेताजी। ये जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, सबसे निचले पायदान के लोग जो हैं उनके लिए, सबके लिए काम किया,
ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। इसलिए जो नेताजी जो समाजवादी पार्टी एक एक जो है आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव के अंदर वो जज्बा है, इसलिए हम लोग माननीय नेताजी के साथ काम किए। अब हम लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़कर काम करेंगे 2024 में, इस जो है डबल इंजन की सरकार को भगाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समा। मुलायम सिंह यादव के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।